हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगा, वो है फेसबुक पे आउट को लेके। काफ़ी सारे जनों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा जो फेसबुक से पेमेंट है वो नहीं मिला है, जबकि मेरा इन्वॉइस जनरेट हो गया है, रेमिसेंस स्टेटमेंट जनरेट हो गया है, या फिर बैंक पे अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला, फेसबुक ने पेमेंट कर दिया है या फिर फेसबुक अभी तक पेमेंट को पेंडिंग रखा है। बहुत सारा कन्फ्यूजन लेके आप लोग क्रिएटर मुझसे हर रोज इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो मैंने सोचा आज पे आउट से जुड़े हर एक कॉर्नर को मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हर एक कॉर्नर से आप लोगों को पूरा चीज़ समझ में आ जाए पे आउट का, और आप लोगों को इसको लेके कोई भी मन में डाउट ना रहे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, तो ना कि आपको बोर। चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने नोट डाउन किया है पे आउट पे, वो है व्हेन विल यू रिसीव पेमेंट ऑन फेसबुक। कब आप लोगों को फेसबुक से पेमेंट मिलेगा, वो कौन सा तारीख होता है, ये बहुत सारे जनों का रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मगर आप लोग सारे वीडियो देखते नहीं हो, इसीलिए आपको पता नहीं है। तो आज इस वीडियो पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेसबुक हमेशा 21 तारीख को आपका पिछले महीने का जितना अर्निंग होता है वो रिलीज करता है। हर 21 तारीख को, 21 तारीख को आपका पिछले महीने का जितना भी अर्निंग होता है पूरा मंथ का वो रिलीज करता है। नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने 21 तारीख को। आशा करता हूँ इसको लेके आने वाले टाइम पे आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे, पूरा क्लियर हो गया है डाउट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इनवॉइस। बहुत सारे जन ये मुझे बोलता है कि सर इनवॉइस दिखा नहीं रहा है, रेमिसमेंट स्टेटमेंट क्या है, इनवॉइस कब जनरेट होता है, बहुत सारा डाउट है, मिक्स एंड मैच। तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर करता हूँ व्हाट इज इनवॉइस। तो दोस्तों इनवॉइस मंथली अर्निंग जनरेट जो होता है, आपका हर महीने का जितना अर्निंग होता है वो रिफ्लेक्ट होता है इनवॉइस पे। फेसबुक वो इनवॉइस आपके ईमेल एड्रेस जो आपने एड ब्रेक को क्रिएट करते समय ईमेल आईडी दिया था फेसबुक पे, उसी वेरीफाइड ईमेल आईडी को भेजता है इनवॉइस। और उसी के साथ अगर आप मोनेटाइजेशन पे जाओगे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, तो वहाँ पे पेआउट जो ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाने के बाद पेआउट अकाउंट होता है, उस अकाउंट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा तीन ऑप्शन, एक पेमेंट हिस्ट्री, एक रेमिसमेंट स्टेटमेंट और एक होता है इनवॉइस। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो पिछले महीने आपका इनवॉइस कितना जनरेट हुआ है, जो कि आपको नेक्स्ट महीने 21 तारीख को फेसबुक रिलीज करता है। तो यहाँ पे एक बात मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन आता है इनवॉइस कब कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि इनवॉइस पे आपका लास्ट महीने में जितना भी अर्निंग होता है वो दिखाता है, और वो इनवॉइस कब जनरेट होता है ये बहुत सारे जनों का क्वेश्चन आया है। तो बिफोर द पेमेंट रिलीज वो इनवॉइस जनरेट होता है, और मोस्टली वो इनवॉइस जो है वो सेकेंड वीकेंड ऑफ द मंथ, मतलब फर्स्ट मंथ जो भी एक मंथ होता है उस मंथ का सेकेंड वीक में, फर्स्ट वीक नहीं, पहले का 7 दिन छोड़ दिए, नेक्स्ट 7 दिन में मतलब सेकेंड वीक में वो इनवॉइस जनरेट होता है पिछले महीने का जो भी अर्निंग्स होता है उसका। वहाँ पे आप देख सकते हो आने वाले टाइम पे आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है लास्ट मंथ का। तो आशा करता हूँ इनवॉइस से जुड़े जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज ए रेमिसमेंट स्टेटमेंट। रेमिसमेंट स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, कई कई लोगों का कहना होता है मेरा तो रेमिसमेंट स्टेटमेंट जनरेट नहीं हुआ है, और कोई कोई लोगों का कहना होता है मेरा तो जनरेट हो गया है मगर पे आउट क्यों नहीं मिल रहा है, और या फिर रेमिसमेंट स्टेटमेंट होता क्या है, तो ये मैं आज पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो रेमिसमेंट स्टेटमेंट दोस्तों तब क्रिएट होता है जब फेसबुक का भी एक बैंक होता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो होता है आपके बैंक पे, आपके बैंक के खाते पे, वो फेसबुक भेजता है, ये ठीक बात है, मगर फेसबुक का भी कोई ना कोई बैंक से कनेक्शन है, वो बैंक आपके बैंक को पेमेंट भेजता है,
तो फेसबुक का बैंक जब पेमेंट को इनिशिएट करता है, मतलब आपके अकाउंट पे भेजता है, तब रेमिसमेंट स्टेटमेंट जनरेट होता है आपके अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे जो मैं अभी समझाऊंगा आपको बारीकी से समझना, वो स्टेटमेंट हर महीने थर्ड वीक को, पहले हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता को वो स्टेटमेंट जनरेट होता है, जिसको रेमिसमेंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है। वो कब होता है? जब फेसबुक टीम उनके अकाउंट से, मतलब उनके बैंक से हमारे बैंक को पेमेंट ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करता है, तब जाके रेमिसमेंट स्टेटमेंट जनरेट होता है। तो आशा करता हूँ रेमिसमेंट स्टेटमेंट कब जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, पूरा डाउट क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे वीडियो पे बता चुका हूँ, मगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए आपको मालूम नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा बोलूँगा, हाउ मच मनी नीड बिफोर पेमेंट रिलीज, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना पैसा आपको इनकम करना पड़ेगा, कितना रेवेन्यू आपको जनरेट करना पड़ेगा, ताकि आपके अकाउंट पे सैलरी के जैसा पेमेंट आए फेसबुक टीम से, फेसबुक पेआउट अकाउंट से जो डिपार्टमेंट होता है, वो लोग कब आपके अकाउंट पे कितना पैसा होने पे आपको पेमेंट देगा, पेआउट देगा। ये बहुत सारे जनों का क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा तो $50 हो गया है, मेरा तो $60 हो गया है, मेरा तो $70 हो गया है, पेआउट पे शो भी किया है इनवॉइस पे, मगर पैसा मुझे नहीं मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है, आपको उस क्राइटेरिया को हिट करना पड़ेगा तो ही पेमेंट मिलता है। वो क्राइटेरिया होता है $100 का। जब आपके अकाउंट पे पिछले महीने का, मान लो आज जनवरी महीना है, तो जनवरी के 21 को आपको पेमेंट रिलीज होने वाला है, तो वो पेमेंट किस महीने का होगा? दिसंबर महीने का, दिसंबर 1st से लेके 31st तक का। तो वो जो आपने अर्निंग किया है उस महीने में, वो अगर $100 तक पहुंच जाता है, $100 या फिर $100 से ज़्यादा होता है अमाउंट, तो ही फेसबुक जनवरी 21 को आपको पेमेंट देगा। तो $100 होना मस्ट है हर एक पेमेंट रिलीज होने के लिए। अगर आपके अकाउंट पे $99 भी होता है तो भी फेसबुक आपको वो पेमेंट नहीं देगा। अब और एक क्वेश्चन आता है को, सर अगर हमने $100 कंप्लीट नहीं किया, अगर हमारा दिसंबर महीने में $100 कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमको जनवरी मंथ में दिसंबर महीने का पेमेंट 21 तारीख को नहीं मिलेगा, मगर वो जो अमाउंट हमने अर्निंग किया है वो अमाउंट क्या हमको कभी भी नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, वो जो अमाउंट आपने अर्निंग किया है दिसंबर महीने में, वो पूरा अर्निंग जनवरी मंथ में जो अर्निंग होगा पूरा महीने में, वो दोनों जोड़ दिया जाएगा, और फेब्रुआरी 21 तक अगर आपने $100 क्रॉस कर लिया वो दोनों अमाउंट को मिला के, तो पूरा का पूरा पेमेंट आपको फेब्रुआरी 21 को रिलीज कर देगा फेसबुक टीम, फेसबुक पेआउट्स अकाउंट सेक्शन से आपको आपके बैंक के खाते पे वो पहुंचा दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी आपका क्लियर हो गया। मगर अब जो बात करूंगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक क्रिएटर लोगों के लिए, और हर एक लोग मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर 21 क्रॉस हो चुका है, आज अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज है 25 तारीख, मगर अभी तक हम लोगों को हमारा पेआउट नहीं मिला है। आप तो बोले थे 21 को पेआउट सेंड करता है, तो मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंडीशन हैं जो आपको समझना पड़ेगा। एक, 21 तारीख को फेसबुक टीम आपको पैसा भेजते हैं आपके अकाउंट पे, वो लोग इनिशिएट करते हैं आपके अकाउंट पे पेमेंट को आपका। इसका मतलब ये नहीं कि 21 तारीख को ही वो रिफ्लेक्ट होगा आपके बैंक अकाउंट पे, या फिर अगर आपने पेपल को जोड़ के रखा है तो पेपल अकाउंट पे वो पेमेंट मिलते मिलते किसी किसी जन को 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 तक भी टाइम लग सकता है। 5 बिजनेस वर्किंग डेज में वो लोग पैसा सेंड करता है, क्योंकि डॉलर पे पैसा सेंड करता है तो वो रुपीस पे कन्वर्ट होता है और उसी के बाद आपके बैंक के खाते पे वो अमाउंट जोड़ा जाता है, तो वो प्रोसेस होने में भी टाइम लग जाता है एक वीक का। तो आपको 21 तारीख, मतलब 21 तारीख की पेमेंट दिखने को मिलेगा आपके अकाउंट पे, वो सही नहीं है।
कोई कोई जनों को वो 23 को दिखने को मिलता है, कोई कोई जन को 24 को, किसी को 27, 28 को भी देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 21 तारीख भेजता है, 21 तारीख ही आपको पैसा जो है मिल जाएगा आपके अकाउंट पे। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक का टाइम क्रॉस हो गया है, पेमेंट फिर भी नहीं मिला है। यहाँ पे फेसबुक टीम से मैंने बात किया है कि बहुत सारे जनों का ऐसा देखा गया है कि पेमेंट टाइम जो है, साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर भी पेमेंट रिलीज नहीं होता है, जबकि $100 से ज़्यादा इनकम हो चुका होता है उनके अकाउंट पे। वो क्यों होता है? वो अगर होता है तो एज ए क्रिएटर हम लोगों को क्या करना है ताकि हमको हमारा पेमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे फेसबुक टीम ने जो कहा है वो बोला है, हमसे संपर्क करने से पहले आप लोग एक बार आपके अकाउंट पे जाके प्रीवियस महीने का पूरा पेआउट जो है वो चेक कर लेना कि अगर जनवरी का पेमेंट है तो दिसंबर महीने में आपने कितना इनकम जनरेट किया है दिसंबर तक, अगर वो $100 क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको वेरीफाई करना है। अगर $100 हुआ ही नहीं तो आपको कहाँ से पेमेंट रिलीज होगा? दो आपका इनवॉइस जनरेट हुआ है मगर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा थ्रेशोल्ड है $100, $100 मार्क कंप्लीट करना पड़ेगा तो ही आपको पेमेंट रिलीज होता है। ये आप रीवेरीफाई कर लीजिए हमसे संपर्क करने से पहले। उसके बाद सेकंड पॉइंट बोलता है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग पेमेंट जो है लोगों का भेज देते हैं उनके बैंक के खाते पे, मगर उनका बैंक कभी कभी उस पेमेंट को होल्ड करके रखता है। ज़्यादातर केसेस पे देखा गया है पेमेंट अगर ज़्यादा होता है तो वो बैंक मैनेजर उस पेमेंट को, क्योंकि वो बाहर से आता है तो उसको होल्ड पे रखता है। तो आपको तुरंत जाके बैंक से संपर्क करना है और आपको पूरा आइडेंटिफिकेशन दे के उस पेमेंट को रिलीज़ करवाना है मैनेजर से बात करके। ये एक होता है जब फेसबुक रिलीज़ कर देता है मगर बैंक वाले रिलीज़ नहीं करता है। दूसरा होता है आपका जो बैंक है वो शायद फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो भी किसी किसी बैंक पे इशू होता है। तो वो भी आपको देखना है कि आपका जो बैंक है, जिस बैंक के अकाउंट को आपने जोड़ा है फेसबुक पे आउट सेक्शन पे, वो बैंक USD डॉलर एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, ये भी फेसबुक का कहना है। तीसरा पॉइंट, रिव्यू पे आउट इंफॉर्मेशन। हाँ दोस्तों, जब आप आपके फेसबुक पेज को मोनेटाइज करते हो और इन स्ट्रीम ऐड के लिए अपील करते हो तो आपको बारीकी से आपका पेआउट सेटिंग को भरना है। वहाँ पे बैंक नेम, कंट्री नेम बैंक का, स्विफ्ट कोड, इंटरमीडिएट, स्विफ्ट कोड के बिना डॉलर कन्वर्ट होके आपके बैंक के खाते पे नहीं आएगा अगर आपका बैंक डायरेक्ट पेमेंट नहीं लेता है बाहर से। तो यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में आपको बेसिकली ध्यान रखना है, वो है बैंक नेम, कंट्री नेम और स्विफ्ट कोड। ये तीन चीज़ बराबर से आपने डाला है कि नहीं डाला है, और उसी के साथ आपने जो अकाउंट आईडी डाला है वो अकाउंट नंबर बराबर से डाला है कि नहीं डाला है। अगर आपने कोई भी मिस्टेक वहाँ पे कर देते हो, छोटा सा छोटा गलती, जैसे बैंक के जो अकाउंट का नाम है आपका उस पे आपने मिसस्पेल कर दिया, या फिर अकाउंट नंबर पे कुछ मिस्टेक कर दिया, या फिर स्विफ्ट कोड में कोई मिस कर दिया, जो कि बहुत सारे जन करते भी है, पे आउट सेटिंग को ठीक से भरते नहीं है। वो मेरे पास भी ऑलरेडी हेल्थ चेकअप वीडियो पड़ा है, मैंने ऑलरेडी किसी का स्विफ्ट कोड चेंज किया था, ऐसे केसेस में भी पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी आप फेसबुक से संपर्क करने से पहले खुद से चेक करना है। ये सब करने के बावजूद अगर ये तीन चीज़ भी आपका ठीक है, उस पर कोई भी डाउट नहीं है, तब जाके आपको फेसबुक पे आउट अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उससे कनेक्ट होना है, उसको अपना जो इशू है वो बताना है। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करूँगा, ये तो फेसबुक का क्या कहना है ये बता दिया, आप दीप्तनुशील चैनल को भी फॉलो करते हो और मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरा पे आउट अभी तक नहीं मिला। भाई मैं फेसबुक का ओनर नहीं हूँ, मैं आपको पे नहीं करता हूँ, ये पूरा पे आउट जो आपको मिलता है वो आपके मेहनत का फल होता है और वो देता है फेसबुक टीम, फेसबुक पे आउट डिपार्टमेंट। तो आपको इस केस में अगर आपके किसी भी रीज़न के वजह से आपको लगता है सब कुछ अपने सही सही करके रखा है, कहीं पे कोई गलती नहीं हुआ है, फिर भी पे आउट रिलीज नहीं हुआ है, 1 week 2 week वेट कर लिया उसके बाद भी आपको पेमेंट नहीं मिला है जबकि आपका सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है पे आउट का, तो आपको दोस्त
फेसबुक पेआउट टीम से ही संपर्क करना है, वहाँ पे संपर्क करके आपको आपका जो भी इशू हुआ है वो बताना है। अगर आपका इनवॉइस जनरेट हो गया है तो उसका स्क्रीनशॉट भेजना है उन लोगों को और पूरा डिटेलिंग में बोलना है, तो ही कोई कोई केस में उन लोगों का भी बाई मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि वो सारे चीज़ मशीन से किया जाता है, तो मशीन कैन मेक मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको ये सारे चीज़ समझना है और उन लोगों को बताना है, तब जाके अगर मिस्टेकली कुछ हुआ है, जो कि 99% केसेस पे नहीं होता है, अगर हुआ है तो आपका सल्यूशन वो लोग प्रोवाइड करेगा। दीप्तनुशील चैनल इस पे आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि पेमेंट जो है फेसबुक भेजता है, दीप्तनुशील चैनल नहीं भेजता है। मगर दीप्तनुशील चैनल का ये जिम्मेदारी है कि हर एक क्रिएटर को सारे फेसबुक का नॉलेज जो फेसबुक बताता है वो शेयर करे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि पेआउट से संबंधित कोई भी दुविधा आपको ना रहे। यहाँ पे और एक लास्ट पॉइंट ऐड करूँगा, अगर किसी भी दोस्त को ये मालूम नहीं है कि पेआउट टीम से कैसे संपर्क किया जाता है, फेसबुक से कैसे मैं कॉन्टैक्ट करूँ, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं दे दूँगा पेआउट से रिलेटेड और भी वीडियो जो मैंने बनाया था, ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ कोई वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग जाके देखो, तो आप लोग बोलते हो सर लिंक भेजो, जबकि थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग सर्च कर सकते हो, मगर उतना मेहनत भी आप लोग करना नहीं चाहते हो, इसीलिए मैं लिंक भी दे दूंगा ताकि कोई भी इशू ना रहे आपको ढूंढने में और सीखने में। एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप फेसबुक क्रिएटर बनके फेसबुक से बहुत सारा पैसा लॉन्ग टर्म में कमाना चाहते हो, तो फेसबुक को अच्छे से सीखो, उसके पॉलिसी गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से सीखो, ताकि कोई भी पेज पे इशू ना हो और पेआउट या फिर ऐसा कोई भी इशू से आप अनजान मत रहो, सारे नॉलेज आपके पास हो। इसीलिए मैं ये चैनल बनाया हूँ ताकि आपको हर एक नॉलेज रूबरू करा पाऊँ। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहा है आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और पेआउट से जितने लोग परेशान हो या फिर जिन जिन लोगों को पेआउट मिल चुका है वो लोग ज़रूर कॉमेंट करना, ताकि बाकी क्रिएटर को भी पता चले किन किन लोगों को पेआउट मिला है और कौन सा तारीख को मिला है और किन लोगों को नहीं मिला है अभी तक, और किस रीजन के वजह से नहीं मिला है जरूर मेंशन करके कमेंट करना, ताकि एक दूसरे को हम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और जिसको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए उस कमेंट को देख के। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।